तो मोशन की तीन इक्वेशनें हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या था When a body moving along a straight line, मान लो एक body straight line में move कर रही है with uniform acceleration, acceleration उसका uniform है, we can establish the relation between, तो उस time हम relation बना सकते हैं velocity of a body एक, दूसरा acceleration of a body दो, and the distance traveled by the body, तीन relation बना सकते हैं, एक बना सकते हैं velocity, दूसरा acceleration और तीसरा distance traveled by the body इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक है ना। जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में सेट करेंगे तो उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है, कितनी है? तीन है। पहली इक्वेशन आती है हमारी वेलोसिटी वाली, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? यू प्लस ए टी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, ये वी जो है दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस यू इज इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है? U is initial velocity, A is acceleration and T is time. ये एक ग्राफ आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया जिसको हम बोलते हैं V is equal to U plus AT, यानी कि velocity वाली इक्वेशन है। दूसरा आता है S, S is distance. Distance किसके बराबर होता है? UT plus 1 by 2 A to square. Distance equal to U, U is initial velocity, T is time plus half of acceleration with respect to time. Time का square आएगा। ये भी हम इक्वेशन derive करेंगे, डिराइव कहां से करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको भी डिराइव करेंगे। थर्ड आता है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ये तीन इक्वेशन हमने डिस्कस कर रही है। तो सबसे पहले इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक ग्राफ ले लेंगे हम, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी बी द फाइनल वेलोसिटी। मान लो हमारे पास एक ग्राफ बनाया, हमने एक ग्राफ ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, दूसरा लिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे क्या करो, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट ए है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो जिस पॉइंट से ये अपनी जर्नी शुरू करेगा वो हमारा आ गया इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिख लेंगे। और ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन में जो है ये ए बी, ए से बी तक इसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी जो ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने नोट कर दी, ठीक है ना। और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के सफर में लेट टी टाइम ले रहा है, ठीक है ना, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पहुंचने तक विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी से हमने इसको एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यहाँ पे जा रहा है ऑब्जेक्ट। नाउ अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, इसको कहेंगे एक साइड से हमने वेलोसिटी लिया, दूसरी साइड से हमने टाइम ले लिया, तो इसको बोलते हैं वी टी ग्राफ। तो VT ग्राफ इस केस में कैसा बनेगा? VT ग्राफ इसमें स्ट्रेट बनेगा एज शोन इन AB। तो जो VT ग्राफ में AB है, ये AB क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन से हम डिराइव करेंगे इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब देखो ये जो V इज इक्वल टू यू प्लस AT है, हमें पता है VT ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और एक्सेलरेशन है ही, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ, और स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या है? स्लोप ऑफ VT ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्लोप है ना, ये आ रहा है हमारा tan थीटा के बराबर, दिस थीटा इज एन एंगल। अब ये tan थीटा किसके बराबर होता है? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा बेस जो है, यहां पे मैंने बेस लिया है AD, बेस क्या है? AD, और परपेंडिकुलर है BD, क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? BD है। तो देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आएगा tan ऑफ tan थीटा, तो थीटा की जगह हमने क्या ले गया, हमारे पास थीटा जो है वो एंगल A है, ये A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अब ये A अगर हम निकालेंगे, दिस A विल बी इक्वल टू BD। व्हाट इज BD? दिस BD इज बेसिकली परपेंडिकुलर, ये BD क्या है? ये BD हमारे पास परपेंडिकुलर है अपॉन AD, ये AD हमारे पास
बेस है। अब BD क्या है? BD इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। BD क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे हमने पुट किया, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बेस। बेस क्या हमारे पास? टाइम। तो ये टाइम से, तो अब हमने इस वाले को हम इधर ले आएंगे, इस लेफ्ट वाली साइड को हम राइट में ले लेंगे, तो v माइनस यू इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा ए टी। तो v इज इक्वल टू, यहाँ से v निकालेंगे इज इक्वल टू, ये जब वहाँ जाएगा तो माइनस साइन प्लस में हो जाएगा u प्लस ए टी। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। थैंक यू।